जी बाबा बोलता नहीं भारत लाइव से। हाँ बोलिए। क्षेत्र में ही बनेगा? नहीं भाई, अपना घर पर रहेंगे। क्षेत्र में क्या करेंगे, घर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्षेत्र के का स्थिति बा? जो लगातार आरोप लागत रहे विपक्ष के कि उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो रहा है, अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है, दवाई की स्थिति ठीक नहीं है, सारी व्यवस्था ठीक हो गई। देखिए ना जी, बस जो विपक्ष है, टाइप करो प्रेस विज्ञप्ति, टाइप करो, टाइप करो। विपक्ष तो जो एजेंडा विहीन है जी। विपक्ष के पास कोई एजेंडा है जी? सरकारी आवास में जी है अस्पताल बना दिया जी, और डॉक्टर नहीं रख सका है जी। अब भाषण दे रहा है जी, उसने कर लिया दिया क्या बोलते है बिस्तर, अभी जाके फोटो भी जा लिया जी है जी। गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उसका भी तो इस्तेमाल करता है, क्या समझे? आप तो सर कोरोना काल में लगातार अपने क्षेत्र में रहे हैं, आप तो कोरोना काल में लगातार अपने क्षेत्र में रहे हैं, लोगों का मदद किए हैं और व्यवस्था को भी देखा आपने, खाना खिलाए हैं, अभी हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, दवा किट माननीय सांसद आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के द्वारा 5,000 दवा किट बांटा है जी जी जी। अभी अभी सब समाचार आ रहा है जी जी, हम लोग का मोदी आहार केंद्र चल रहा है जी। और यही यही ऐसी है कि आज पूरे प्रदेश में मोतिहारी बहुत तेजी से रिकवरी हुआ है, अभी मात्र 74 को रिकवरी है जी जी। नहीं, आपके आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में सर ये बात लगातार आ रही है कि आपके क्षेत्र में आप बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार का ये फरमान आया कि कोई भी अपने क्षेत्र में नहीं जाएगा, उसके बाद कितना समस्या होगी क्षेत्र के लोगों को? देखिए क्षेत्र में जो है जी, ये हम लोग के कार्यकर्ता काम करता है, अधिकारी काम करते हैं जी, हम लोग तो संकेत के रूप में जाते हैं जी, जी। और हमारा कुशल जिलाधिकारी है जी, हमारा कुशल अनुमंडल पदाधिकारी है जी, और ये लगातार हमारे LRDC है जी, और ये नगर के कार्यपालक पदाधिकारी है जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे कदावर नेता है, कार्यकर्ता है जी, जो लगातार इस काम को कर रहे हैं, सेवा ही संकल्प है, क्या समझे जी जी, नहीं समझिएगा आप, नर सेवा ही नारायण सेवा है जी जी जी, सेवा के भाव से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है जी, क्या नहीं समझिए। सर सबसे बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में जाने से ये कानून जो है, ये नया फरमान जो है रोकता है, आप कितना भरोसा करते हैं उन सरकारी अधिकारियों पर? कोई फरमान नहीं है जी, ये कोई फरमान नहीं है, ये हमारे नेतृत्व के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये निर्देश है जी, हम लोग स्वयं इस लॉकडाउन का पालन करेंगे जी, तो जनता इस बात को समझेगी, हम नेता हैं और हम लॉकडाउन में जाकर भाषण देंगे जी, हम लॉकडाउन में जाकर पब्लिक का मजमा लगाएंगे जी, ये तो गलत बात है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया है कि लॉकडाउन में कोई सामाजिक ऐसा काम में, हम आपको शादी ब्याह हो रहा है जी, हम वहाँ जाकर खड़ा हो जाएंगे, तो हमसे जनता जो हमको जो चुनी है वो हमसे मोहब्बत करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस आदेश से खुश है? एकदम हम लोग खुश है जी, जब हमारा नेतृत्व ने जो भी निर्णय करता है उससे हम लोग बिना हम पूछे तोड़े करते हैं, हम लोग से समझ बूझ के हमारे नेता निर्णय करते हैं जी जी, तो जो निर्णय कर दिए पक्का ओके, इससे हम लोग खुश हैं, इसका सम्मान करते हैं जी। इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जी अपने अधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर अंकुश लगा रहे हैं, एक बार फिर से उस फरमान के तहत ऐसा कोई, ये जो बात जो है, ये आप जैसे तथाकथित पत्रकार लोग हैं जी, समाचार बनाकर
और एक एक, एक प्रोपेगंडा क्रिएट करना चाहते हैं। एनडीए मजबूत है और एनडीए मजबूत रहेगा। एनडीए में कोई प्रकार का साक्षात नहीं है, क्या समझे? जीतन राम मांझी सर अपना फ्यूज बनाकर जी और फायदा लेना चाहता है। सर जीतन राम मांझी जी के बयान से तो ऐसा नहीं लगता है, वो तो प्रधानमंत्री के फोटो पर ही आपत्ति जता रहे हैं। गंडा क्रिएट करिए माइलेज लेने के लिए, ये न्यूज क्रिएट करता है। एनडीए मजबूत है और अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, तारकेश्वर प्रसाद जी और रेणु देवी के नेतृत्व में और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत गठबंधन का सरकार है, चल रहा है और स्थापित रहेगा। सर जीतन राम मांझी तो इस तरह का बात नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के तस्वीर पर ही आपत्ति जता रहे हैं। जीतन राम मांझी अपना विचार रख दिए, आपत्ति का जता रहे, विचार एक रख दिए। सर आप लोग विचार से सहमत हैं? विचार लागू हो नहीं लागू, अरे विचार अपना रख दिए, रख दिए, हो गया जी। भाजपा उस विचार पर विचार करेगी, विचार है रख दिए। भाजपा उस विचार पर विचार करेगी, तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का भी फोटो लगेगा। ये विषय ये तो जिसके सामने रखे हैं वह बताएगा, हमारे सामने हम थोड़े इस निर्णय के बोर्ड में बैठने वाले हैं जी। तो इस निर्णय के बोर्ड में हम बैठने वाले हैं जी जी, क्या जी, पूछ रहे हैं हमसे। चलिए सर आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।